अब इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल जो दुनिया की सबसे महंगी और सबसे बड़ा टी20 लीग माना जाता है। अब आईपीएल में कहा जाता है कि बल्लेबाज जिताते हैं मैच लेकिन गेंदबाज जिताते हैं पूरा टूर्नामेंट। जी हां, गेंदबाज ही मैच को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। गेंदबाजों की डिमांड आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में काफी ज्यादा रहती है। तो आज हम इसी कड़ी में आपको बताने वाले टाटा आईपीएल 2023 के लिए आईपीएल के सभी 10 टीमों की फास्ट बॉलिंग अटैक के बारे में कि आखिर सभी टीमों में वो कौन कौन से गेंदबाज मौजूद है, किस टीम की गेंदबाजी सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे मजबूत है सबसे खतरनाक है और किस टीम की गेंदबाजी सबसे कमजोर है। याद रहे कि इस वीडियो में हम सिर्फ फास्ट बॉलिंग अटैक के बारे में ही बात करने वाले हैं, ऑलराउंडर्स को कंसीडर नहीं करेंगे वीडियो की ओर। तो बात करते हैं सबसे पहले लखनऊ सुपर जेंट्स के बारे में। तो टाटा आईपीएल 2023 के लिए लखनऊ सुपर जेंट्स की फास्ट बॉलिंग अटैक कुछ इस तरह से है। जेंट्स टीम में बतौर तेज गेंदबाज मौजूद हैं अवेश खान, मोहसिन खान, मार्कुड इंग्लैंड के तेज उतर्रार गेंदबाज, मयंक यादव, जयदेव उनाडकट, यास ठाकुर, नवीनुल हक अफगानिस्तानी तेज गेंदबाज, जबकि युद्धवीर चरक तो जहां लास्ट ईयर भी मार्कुड टीम में शामिल थे लेकिन आईपीएल शुरू होने से पहले ही वो बाहर हो गए थे। उनकी जगह पर एंड्रयू ताय को टीम में शामिल किया गया था। तो वहीं पिछले साल इस टीम में दुष्मंता चमेरा भी मौजूद थे लेकिन अब इस साल मार्कुड की वापसी हो चुकी है जो काफी तेज गेंदबाजी कराते हैं, काफी खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं और इस बार एंड्रयू ताय टीम में नहीं है, दुष्मंता चमेरा भी टीम में नहीं है लेकिन टीम में नवीनुल हक भी मौजूद है जो अफगानिस्तान के काफी शानदार युवा तेज गेंदबाज माने जाते हैं। दुनिया भर की बड़ी बड़ी टी20 लीग खेलते हैं, वहां पर इन्होंने गजब का जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है। तो इस बार लखनऊ सुपर जेंट्स का फास्ट बॉलिंग अटैक पिछले साल के मुकाबले थोड़ा और बेहतर, थोड़ी और मजबूत दिखाई दे रही है। जहां लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम में बतौर ऑलराउंडर मार्कस स्टोनिस, रोमारियो सेफर, डैनियल साम्स भी मौजूद हैं जो बल्लेबाजी के साथ साथ काफी शानदार काफी अच्छी गेंदबाजी कराते हैं। अब बात करें यहां दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। तो टाटा आईपीएल 2023 के लिए दिल्ली कैपिटल्स की फास्ट बॉलिंग अटैक कुछ इस तरह से। तो बतौर तेज गेंदबाज टीम में मौजूद है एनरिच नोतजेस साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज, चेतन सकरिया, कमलेश नगरकोटी, खलील अहमद, लुंगी निगिडी, मुस्तफिजुर रहमान, ईशांत शर्मा, मुकेश कुमार। तो इस बार दिल्ली कैपिटल्स के पास ऑप्शन काफी ज्यादा हैं, एक्सपीरियंस के साथ साथ युवा काफी तेज गेंदबाज टीम में भरे पड़े हैं। तो इस टीम का सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट यही है कि टीम के पास ऑप्शन काफी ज्यादा है। तो बतौर ऑलराउंडर मिचेल मार्श बल्लेबाजी के साथ साथ अच्छी खासी गेंदबाजी भी करा सकते हैं। बात करें यहां कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में। तो केकेआर की फास्ट बॉलिंग अटैक पिछले साल के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग काफी मजबूत हो चुकी है, जहां इस टीम में इस बार लोकी फर्ग्यूसन भी आ चुके हैं जो काफी तेज गेंदबाजी कराते हैं। शार्दुल ठाकुर को भी इन्होंने ट्रेड करके टीम में इस बार शामिल कर लिया है जो अच्छी खासी गेंदबाजी कराते हैं। जहां पिछले साल इनके पास दो ही मेन तेज गेंदबाज मौजूद थे, एक थे टीम साउथी, दूसरे थे उमेश यादव, लेकिन इस टीम के पास अब काफी विकल्प हो चुका है और इनकी गेंदबाजी काफी मजबूत हो चुकी है। तो इनकी फास्ट बॉलिंग अटैक कुछ इस तरह से है आईपीएल 2023 के लिए। तो केकेआर की टीम में बतौर तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर, लुकी फर्ग्यूसन, टीम साउथी, हर्षित राणा, उमेश यादव, विभव अरोरा, कुलवंत खेजरेलिया मौजूद हैं। तो वहीं बतौर ऑलराउंडर आंद्रे रसल काफी शानदार गेंदबाजी करा सकते हैं। तो वहीं डेविड वीसा भी टीम में मौजूद हैं जो बतौर ऑलराउंडर अच्छी खासी गेंदबाजी कराते हैं। अब बात करें यहां राजस्थान रॉयल्स के बारे में। तो पिछले साल की तरह इस बार भी आईपीएल 2023 के लिए राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी में अभी भी समस्या वही सेम है क्योंकि पिछले साल भी इनके पास डेथ स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं था। ट्रेंट बोल्ट थे जो कि वन ऑफ द बेस्ट तेज गेंदबाज माने जाते हैं लेकिन इसके अलावा इनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है और इस बार भी इनको यही कमी खलने वाली है आईपीएल 2023 में भी, क्योंकि इस बार इस टीम ने गेंदबाजी पर ज्यादा फोकस नहीं किया, बल्लेबाजों पर ही पूरा ध्यान दिया था। तो राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज कुछ इस तरह से हैं, पराशिद कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट, नवदीप सैनी, ओबेद मकोई, कुलदीप सेन, कुलदीप यादव, के एम आसिफ। तो वही टीम में जैसन होल्डर मौजूद है जो मिडिल ओवर और डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी करा सकते हैं। बात करें यहाँ गुजरात टाइटंस के बारे में। तो गुजरात टाइटंस की टीम पिछले साल की चैंपियन टीम थी, पिछले साल इनकी गेंदबाजी काफी अच्छी थी, काफी बैलेंस था लेकिन इस बार इनकी गेंदबाजी काफी कमजोर हो चुकी है। इस टीम से लुकी फर्ग्यूसन जा चुके हैं जिन्हें ट्रेड करके केकेआर की टीम ने अपनी टीम में शामिल कर लिया था। हालांकि टीम में मोहम्मद समी जैसा शानदार जबरदस्त गेंदबाज मौजूद है। तो कुछ इस तरह से गुजरात टाइटंस की फास्ट बॉलिंग अटैक आईपीएल 2023 के लिए। तो इस टीम में बतौर तेज गेंदबाज मौजूद है प्रदीप सागवान, अलजारी जोसेफ, मोहम्मद समी, यश दयाल, शिवम मावी, जोशुआ लिटिल, मोहित शर्मा। तो बतौर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, विजय शंकर, ओडेन स्मिथ मौजूद हैं जो बल्लेबाजी के साथ साथ अच्छी खासी गेंदबाजी करा सकते हैं। तो इनके होने से गेंदबाजी में थोड़ा बहुत बैलेंस देखने को मिलता है। बात करें यहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बारे में। तो इस बार टाटा आईपीएल 2023 के लिए आरसीबी की फास्ट बॉलिंग अटैक वन ऑफ द बेस्ट गेंदबाजी अटैक आप कह सकते हैं। टीम में एक से बढ़कर एक शानदार जबरदस्त गेंदबाज शामिल हो चुके हैं और इस बार आईपीएल 2023 में आरसीबी की सबसे
सबसे बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है। तो फास्ट बॉलिंग अटैक में आरसीबी के पास मौजूद हैं हर्षल पटेल, डेविड विली जो काफी तेज गेंदबाजी कराते हैं, मोहम्मद सिराज, जोस हेजलवुड जिनके पास काफी एक्सपीरियंस है, जबकि सिद्धार्थ कौल, आकाशदीप, तो वही इंग्लैंड के बेहतरीन तेज गेंदबाज रहे स्टोपली भी इस बार टीम में शामिल हो चुके हैं, जबकि रजन कुमार, अवनीश सिंह मौजूद है। अब बात करें यहाँ चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में, तो आईपीएल 2023 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की जो बॉलिंग लाइनअप है वो काफी एवरेज देखने को मिल रही है। अब यह गेंदबाज चेन्नई के चेपक्के मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जब चेन्नई की टीम दूसरी टीम के होम ग्राउंड पर खेलने जाएगी तो वहां पर इनके गेंदबाज उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, तो इस लिहाज से चेन्नई सुपर किंग्स की भी गेंदबाजी उतनी शानदार उतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। तो सीएसके की फास्ट बॉलिंग अटैक कुछ इस तरह से है, तुषार देश पांडे, मुकेश चौधरी, मथीसा पति राणा, समरजीत सिंह, दीपक चेर, जबकि काइल जेमिसन इस टीम के साथ जुड़े हैं। तो बतौर ऑलराउंडर इस टीम के पास बेन स्टोक और ड्वेन पीटर्स मौजूद है जो काफी शानदार जबरदस्त गेंदबाजी कराते हैं बल्लेबाजी के साथ साथ। बात करिए मुंबई इंडियंस के बारे में, तो मुंबई इंडियंस की फास्ट बॉलिंग अटैक वन ऑफ द बेस्ट अटैक आप कह सकते हैं, क्योंकि इस टीम के पास एक नहीं बल्कि दो दो बड़े हथियार मौजूद हैं। अगर आप वर्ल्ड में टॉप थ्री या फिर टॉप फाइव गेंदबाजों के बारे में बात करेंगे तो उसमें नाम कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह और जोफ्रा आर्चर का आएगा। और सबसे बड़ी बात की ये दोनों ही खतरनाक तेज गेंदबाज एक ही टीम यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल है। तो मुंबई इंडियंस की फास्ट बॉलिंग अटैक कुछ इस तरह से, जसप्रीत बुमराह, जोफ्रा आर्चर, जे रिचर्डसन, तो वही जेसन बेलेंड्रॉप भी इस टीम में शामिल है, जबकि आकाश माधवाल, तो वही बतौर ऑलराउंडर इस टीम के पास है कैमरन ग्रीन, जबकि ड्वेन जॉनसन, तो वही अर्जुन तेंदुलकर भी बल्लेबाजी के साथ साथ अच्छी खासी गेंदबाजी कराते हैं। तो इस टीम की गेंदबाजी काफी बेहतरीन देखने को मिल रही है। अब बात करें पंजाब किंग्स के बारे में, तो पंजाब किंग्स की टीम ने पिछले दो साल से गेंदबाजों पर काफी फोकस किया है, क्योंकि ये टीम लगभग ज्यादातर मुकाबले गेंदबाजों की ही वजह से हार रही थी, जहां पिछली बार ये टीम में लाए थे कगेश्वर अबादा जो काफी एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, और इस बार इन्होंने सैम करन को टीम में शामिल किया है जो एक ऑलराउंडर माने जाते हैं लेकिन एक प्रॉपर गेंदबाज आप इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि सैम करन से आप शुरुआती ओवर की गेंदबाजी करवा लें, मिडिल में गेंदबाजी करवा लें, डेथ में भी गेंदबाजी करवा लें, ये कहीं पर भी गेंदबाजी करा सकते हैं और हर जगह ये परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो इस टीम की गेंदबाजी पिछले साल के मुकाबले इस बार काफी बेहतरीन काफी जबरदस्त बन चुकी है। तो पंजाब किंग्स के फास्ट बॉलिंग अटैक में शामिल हैं अर्शदीप सिंह, पलतेज सिंह, नथन एलिस, कगिसुर अबादा, विद्वत कविरप्पा, तो बतौर ऑलराउंडर सैम करन और ऋषि धवन मौजूद हैं तो अच्छी खासी गेंदबाजी कराते हैं। बात करें यहां सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में, तो सनराइजर्स हैदराबाद के फास्ट बॉलिंग अटैक इस बार भी एक बेहतरीन फास्ट बॉलिंग अटैक दिखाई दे रही है, जहां इस टीम में काफी बड़े बड़े टी ट्वेंटी स्पेशलिस्ट गेंदबाज मौजूद हैं, चाहे आप बात कर लें भुवनेश्वर कुमार की या फिर उमरेन मलिक या फिर टी नटराजन या फिर मार्को जेंसन या फिर फजल हक फारूकी, सभी के सभी काफी बेहतरीन टी ट्वेंटी तेज गेंदबाज माने जाते हैं। तो सनराइजर्स हैदराबाद की तेज गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार मौजूद है, मार्को जेंसन, कार्तिक त्यागी, उमरेन मलिक, टी नटराजन, फजल हक फारूकी मौजूद है। तो आईपीएल 2023 के लिए सभी 10 टीमों की फास्ट बॉलिंग अटैक, बात करें कि आखिर किस टीम की गेंदबाजी कितनी स्ट्रॉन्ग या फिर कितनी वीक दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जबकि पंजाब किंग्स का फास्ट बॉलिंग अटैक इस बार काफी शानदार काफी लाजवाब देखने को मिल रहा है, जबरदस्त फास्ट बॉलिंग अटैक इनके पास मौजूद है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ सुपर जेंट्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स, इनका भी फास्ट बॉलिंग अटैक काफी बढ़िया है, एवरेज कह सकते हैं या फिर आप बैलेंस फास्ट बॉलिंग अटैक कह सकते हैं, जबकि बिलो एवरेज की बात करें इन सभी टीमों के मुकाबले सबसे खराब फास्ट बॉलिंग अटैक कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस में देखने को मिल रही है।